जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं बिहार समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूँ। बांदे ग्राम जहाँ श्रेष्ठ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सबसे पहली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई थी 1973 ईस्वी में, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और मैं मिथिला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। एक वर्ष से भी ज़्यादा पहले मैं रिटायर हो गया। मैंने ठाकुर की दीक्षा 1956 में ली। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय भुवनेश्वर पांडे है। मेरे परिवार में सभी लोग ठाकुर के दीक्षित हैं। मैंने बचपन से ठाकुर का संग लाभ किया है और ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं मैंने देखी है। मैं एक कथा कहना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम जब इस धराधाम पर आते हैं तो प्रायः एक सी ही लीला किया करते हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में उनका आगमन हुआ तो माता देवकी तो जननी थी ही, लेकिन गोकुल में यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। मोहम्मद साहब के रूप में जब भगवान का आगमन हुआ अरब की मरुभूमि में तो 7 वर्षों तक हालिमा नाम की एक अरेवा जाति की एक महिला थी, जिन्होंने 7 वर्षों तक अपना दूध पिला के मोहम्मद साहब को बड़ा किया, पाला पोसा। उसी प्रकार वर्तमान युग आदर्श पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आगमन पवना जिला अंतर्गत हिमायतपुर ग्राम में हुआ। उनकी माता का नाम मनमोहिनी देवी था, लेकिन उनकी पड़ोसन एक थी बोसमा, जिनका नाम था सुशीला माँ, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। उसकी एक बड़ी विचित्र कथा है। बोसमा का परिवार भरा पूरा था, लेकिन कालक्रम से उनके परिवार में सभी की अकाल मृत्यु हो गई। उनके स्वामी की मृत्यु हो गई, उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब कोई नहीं बचा उनके परिवार में और एकमात्र बुढ़ापे का सहारा, उस विधवा का सहारा, उसके गोद का बालक भी जब मर गया तो वो पछाड़ खा के रोने लगी और सारे गांव के लोग उसे ढाढ़स बढ़ाते थे, सांत्वना देते थे, लेकिन वो उसका रोना रुकता ही नहीं था। থাকো, আমি এসে গেছি। আপনি এসে গেছেন?
আড়াল লাগছে তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সুশীলা মেয়েটা মাছ মারা গেছে। ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো? সবার হয়ে গেছে, শুধু আমার আর আপনার বাকি আছে। শিশু হবে কোন, শিশু হবে কোন, শিশু হবে কোন? তুমি যাও শিগগির সুশীলাকে একটু দেখো, সুশীলাকে একটু দেখো। বাচ্চাটা মারা গেল, আমি যেন কিছুতেই যেন শিবচন্দ্র চক্রবর্তী জি নে ভি বহুত সান্ত্বনা দি, ওহ রোনা ছোড় দে, বহুত প্রয়াস কিয়া লেকিন উসকা রোনা নেই রুকা, অর ও রোতে রোতে লাগতা থা কি আব মর হি জায়েগি, জব কোই দূসরা রাস্তা নেই মিলা তো শিবচন্দ্র চক্রবর্তী জি কে গোদ মে বিলখ রহে বালক অনুকূল, মাতা মনমোহিনী কে গোদ মে বিলখ রহে বালক অনুকূল, उस समय उनकी उम्र 1.5 वर्ष से भी कम थी। वो रो रहे थे अपनी माँ की गोद में और माता मनमोहिनी उन्हें चुप करने का बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रहे थे और बहुत रो रहे थे। और इधर बोश माँ भी बहुत रो रही थी। जब शिवचंद्र चक्रवर्ती पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जी ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो दौड़ के गए और अपनी पत्नी माता मनमोहिनी की गोद में रो रहे बालक अनुकूल को अपनी माता की गोद से खींच के और बोस माँ की गोद में उन्होंने रख दिया और कहा कि लो आज से ही तुम्हारा बालक हुआ। आश्चर्य की बात कि बालक अनुकूल को गोद में लेते ही बोस माँ का सारा कष्ट सारा दुख क्षण भर में ही दूर हो। কেমন লাগছে?
ভালো লাগছে কি? মনে হয় একবারে পাগলই হয়ে গেছে সখী, কত কথা বলছেন আমার সঙ্গে, দেখুন কি উপায় একটু করতে পারেন। দেখ মা, তোর যা সর্বনাশ হবার তা তো হয়েই গিয়েছে, এমন ঘটনা বহু মানুষেরই ঘটে থাকে। ঈশ্বরের নাম কর, দেখবি সব দুর্যোগ। মনে হচ্ছে না ওর কোনো সুরাহা হয়েছে এতে। আপনি আর একটু কিছু দেখুন, ওকে শান্তভাবে দিতে পারেন কিনা, আর একটু কিছু বলুন ওকে। আমাদের তো অনেক সন্তান রয়েছে, আমাদের সন্তানই তো ওর সন্তান। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের অনু আছে, আমার অন্য অন্য ছেলেরা রয়েছে, তুই তাদের পরিচর্যা করলেই তো তুই শান্তি পাবি। এবার থেকে ওদেরকে নিয়েই তুই থাকিস, ওদের আমার সন্তানগুলোই তোর সন্তান, বুঝেছিস? আমাদের অনু কোথায় গো? যা তো যা তো যা তো, ওকে দেখে নিয়ে এসো তো। তাহলে আমি দেখি অনু কোথায় আছে। চল 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 চল, দেখে নিয়ে এসো, দেখে নিয়ে এসো। आश्चर्य की बात कि बालक अनुकूल को गोद में लेते ही बोसमा का सारा कष्ट, सारा दुख क्षण भर में ही दूर हो गया, और जीवन भर पुनः उन्हें किसी दुख का, अपने स्वामी की मृत्यु का, अपने पुत्र की मृत्यु का, अपने परिवार के अन्य लोगों की मृत्यु का कोई दुख कभी नहीं हुआ। मैं जब बचपन में ठाकुर आश्रम जाया करता था तो बोसमा से बराबर मिला करता था।